हेलो एवरीवन वेलकम टू पिताम्बरा एजुकेटर्स दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास ट्वेल्थ एआई स्टूडेंट्स एंड आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम आपका एग्जाम जो है परसों है सो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी वीडियोस आप कंटिन्यूसली देख रहे होंगे और उनसे आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और जो सी ने सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है एक बार वीडियोज़ देखने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं एंड अगर पॉसिबल हुआ तो आई विल ऑल्सो पोस्ट सम क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस सो लेट्स बिगिन लेट्स कंटिन्यू आर यूनिट लेट्स बिगिन दिस टॉपिक दैट इज़ हाउ टू वैलिडेट मॉडल क्वालिटी वेलीडेट मीन्स वेरीफाई और यहाँ पर हम क्या वेरीफाई कर रहे हैं मॉडल की क्वालिटी क्वालिटी मीन्स की उसका जो भी प्रोडिक्शन है जो भी आउटपुट है वो कितना एक्यूरेट है सो so यहाँ पर टेक्निक्स दी आपको दो टेक्निक दी है वन इज़ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इवेल्यूएशन एंड सेकेंड इज़ क्रॉस वेलीडेशन सो वी विल डिस्कस बोथ द मैथड्स बोथ द टेक्निक्स सो सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इवेलुएशन टेक्निक क्या होती है ये ओब्वियसली क्या कर रही है ये परफॉर्मेंस इवेलुएट कर रही है मशीन लर्निंग एल्गोरिज्म का इट कैन भी यूज फॉर क्लासीफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम तो क्लासिफिकेशन की ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनमें हम कैटेगरी डिसाइड करते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम मेल्स चेक कर रहे हैं हमारा जो ए आई मॉडल है वो मेल्स चेक कर रहे हैं तो वो कैटेगराइज करेगा कर कि कौन सी मेल्स स्पैम है और कौन सी मेल जो है वो स्पैम नहीं है नेक्स्ट इट कैन ऑल्सो भी यूज फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम रिग्रेशन प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जिनका आउटकम जो होता है कंटिन्यूस वैल्यूज़ पर होता है फॉर एग्जाम्पल हमें वेट प्रोडिक्ट करना है या प्राइस किसी प्लॉट uh, का या किसी लैंड uh, का डिसाइड करना है वेट डिसाइड करना है तो दैट इज़ रेगोरेशन प्रॉब्लम जो कि कंटिन्यूस वैल्यूज़ पे डिपेंड होती है नेक्स्ट कैन बी यूज फॉर एनी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम सो जो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है वो क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम में यूज़ हो सकती है रेगुलेशन में यूज़ हो सकती है या फिर किसी भी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम अब सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम क्या होती है जिसमें कि उसको इनपुट डेटा प्रोवाइड किया जाता है यानी कि उसको मशीन लर्निंग के लिए उसको लर्निंग के लिए ऑलरेडी डेटा प्रोवाइड किया गया है इनपुट प्रोवाइड किया है और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वो प्रडिक्शन करती है आउटकम देती है तो जैसे इसका नेम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो यहाँ पे स्प्लिट हम क्या करते हैं डेटा सेट तो आप ऐसे थोड़ा मोटा मोटा इसको समझ लीजिए पहले कि यहाँ पे क्या होता है डेटा होता है डेटा सेट हम उसे बोलते हैं डेटा सेट उसे हम क्या कर रहे हैं टू पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं जैसे कि इसके नेम में ही है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो यहाँ इसका जो प्रोसीजर है उसमें क्या होता है डेटा सेट को हम स्प्लिट करते हैं टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक पार्ट होता है दैट इज़ ट्रेन डेटा डेटा सेट यहाँ पे लिखा भी है ट्रेन डेटा सेट और टेस्ट डेटा सेट तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एवेलुएशन इसको डिफाइन करिए तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है स्प्लिट हो रहा है क्या चीज़ स्प्लिट हो रहा है डेटा सेट स्प्लिट हो रहा है उसमें जो फर्स्ट सबसेट है दैट इज़ ट्रेन डेटा सेट और जो सेकेंड सबसेट है दैट इज़ टेस्ट डेटा सेट तो आपको यहाँ पे अब क्या करना है इन्हीं को एक्सप्लेन करना है कि ट्रेन डेटा सेट क्या होता है और टेस्ट डेटा सेट क्या होता है तो ट्रेन डेटा सेट क्या होता है जिसमें कि आप आ, मशीन को जो डेटा दे रहे हो जिससे कि वो लर्न करेगी ओके सो यहाँ पे हम एक बार इसको आप डिटेल में देख लेते हैं ऊपर ऊपर से आपने देख लिया कि जो डेटा सेट है वो दो सबसेट में डिवाइड होता है फर्स्ट सबसेट है जो कि फिट इट इज़ यूज टू फिट द मॉडल फ़िट द मॉडल मीन्स टू ट्रेन द मॉडल जिससे कि वो आउटकम ईजीली प्रोडिक्ट कर सके आउटकम दे सके सो इट इज़ यूज़ टू ट्रेन द डेटा एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रेनिंग डेटा सेट सेकेंड सबसेट इज़ नॉट यूज टू ट्रेन द डेटा ट्रेन द मॉडल तो जो सेकेंड सबसेट है वो ट्रेन करने के लिए यूज नहीं होता है वो टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है अब टेस्ट कैसे होता है इनपुट एलिमेंट्स ऑफ द डेटा सेट इज़ प्रोवाइडेड टू द मॉडल इट मीन जो सेकेंड सबसेट है डेटा सेट का उसको मॉडल को सेंड uh, किया जाता है और प्रडिक्शन uh, करे जाते हैं कि ये ये चीज़ें होंगी जो भी प्रोडिक्शन करना है और फिर उन्हें एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो भी हमने वैल्यूज एक्सपेक्ट की थी कि ये होना चाहिए उससे कंपेयर किया जाता है अगर वो कंपैरिजन सही है दैन ओबली इट इज़ गुड मॉडल अदरवाइज जो होगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी सही नहीं होगी सो so, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है टू एस्टिमेट परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन लर्निंग मॉडल ऑन न्यू डेटा तो यहाँ पे क्या करे? कर रहे हैं परफॉर्मेंस एस्टिमेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन न्यू डेटा न्यू डेटा मतलब जो आपका सेकेंड सबसेट था जो टेस्ट डेटा सेट था सो दिस इज़ वट वी एक्सपेक्ट मॉडल इस तरीके से वर्क करना चाहिए जो भी अवेलेबल डेटा है जो भी नोन इनपुट्स और uh, आउटपुट्स हैं यानी कि जो भी डेटा हमने उसको ट्रेन किया है जिस डेटा को हमने उसे अवेलेबल करवाया है एज अ ट्रेनिंग डेटा सेट तो यहाँ पे जो वर्ड है ना टू फिटेड टू फिटेड मतलब यही है कि वो कितने अच्छे से वर्क कर रहा है बेस्ड ऑन द ट्रेंड डेटा तो हम क्या चाहते हैं कि कैसे मॉडल वर्क करे जो भी अवेलेबल डेटा है जो भी इनपुट एंड आउटपुट उसको अवेलेबल करवाए हैं उनके बेसिस पे वो प्रडिक्शन करे ऑन न्यू एग्जाम्पल्स ऑन न्यू एग्जाम्पल्स मीन्स की ऑन न्यू डेटा सेट इन द फ्यूचर वेयर वी डो नॉट हैव एक्सपेक्टेड आउटपुट और टारगेट वैल्यूज़ तो जहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ नहीं पता है वहाँ पर भी वो क्या करें सही प्रोडिक्शन दें द ट्रेन टेस्ट प्रोसीजर इज़ अप्रोप्रिएट वेन देर इज़ अ सफिशेंटली लार्ज डेटा सेट अवेलेबल तो यहाँ पर मेन क्या है हमें दो टाइप का डेटा चाहिए एक ट्रेनिंग के लिए और एक टेस्टिंग के लिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि लार्ज डेटा सेट होना चाहिए ओब्वियसली अगर आपके पास थोड़ा सा डेटा है तो आप ट्रेनिंग के लिए यूज़ करोगे तो प्रॉपर अगर कम डेटा हम ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ओब्वियसली जो मशीन है वो ज़्यादा लर्न नहीं कर पाएगी उसके पास कम डेटा होगा अगर हमने ज़्यादा उसको ट्रेनिंग के लिए दे दिया फिर हम उसको टेस्टिंग के लिए कैसे यूज़ करेंगे सो यू शुड रिमेंबर दिस कि हमें ये वाली टेक्निक में ट्रेन टेस्ट स्प्लिट टेक्निक में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है large data set. Now how we split the data मेन इसमें क्या होता है जब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर रहे हैं तो यहाँ पे मेन कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर क्या है कि ट्रेन डेटा का और टेस्ट डेटा सेट का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज मोस्ट कॉमनली एक्सप्रेसड एस परसेंटेज बिटवीन जीरो एंड वन तो हम जीरो या वन के बीच में ही क्या करते हैं उसकी परसेंटेज डिफाइन करते हैं ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा सेट की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ट्रेनिंग सेट लिया है विथ 67 परसेंट तो बाकी जो 33 परसेंट बचा वो क्या होगा टेस्ट डेटा सेट होगा तो ऐसे कोई ऑप्टिमल स्प्लिट परसेंटेज नहीं है कि जिससे कि बहुत अच्छा आउटकम आए ऐसा कोई डिफाइंड स्प्लिट परसेंटेज नहीं है बट वी कैन चूज द स्प्लिट परसेंटेज दैट मीट्स आर प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं स्प्लिट परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं इट इंक्लूडस कंप्यूटेशनल कॉस्ट एंड ट्रेनिंग द मॉडल कंप्यूटेशनल कॉस्ट एंड एवेल्यूटिंग द मॉडल ट्रेनिंग सेट रिप्रेजेंटिड टेस्ट सेट रिप्रेजेंटि ये फोर पॉइंट हमें कंसिडर करके रखना है जब हम क्या कर रहे हैं स्प्लिट परसेंटेज अपने डेटा सेट की डिसाइड कर रहे हैं अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है जिसमें हम क्या कर रहे हैं डेटा सेट को स्प्लिट कर रहे हैं इन टू स्टेज 20 और 80 के रेशियो में 20 परसेंट टेस्टिंग एंड 80 परसेंट ट्रेनड डेटा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फिगर के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है और हम क्या कर रहे हैं अंडर सुपरवाइज लर्निंग वी स्प्रेड डेटा सेट इन ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्ट डेटा इन पाइथन एम तो पाइथन यूज करी जा रही है यहाँ पे प्री रिक्विज क्या है फॉर ट्रेन एंड टेस्ट डेटा पांडाज पांडाज लाइब्रेरी होती है पाइथन की इन द सेम वे एस लर्न इज ऑल्सो अ लाइब्रेरी इन पाइथन यहाँ पे जो पांडास लाइब्रेरी है वो किसके लिए यूज होती है फॉर एनालाइजिंग डेटा सेट जो भी डेटा हम एनालाइज़ कर रहे हैं डेटा सेट के लिए क्या यूज़ होती है पांडास लाइब्रेरी विच इज़ ऑफ पाइथन और एस के लर्न किस लिए है इट इज़ फॉर मशीन लर्निंग इन पाइथन तो जो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो किसके थ्रू हम कर सकते हैं पाइथन में यूजिंग दिस लाइब्रेरी दैट इज़ एस के लर्न वैसे तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है कोड का बट यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं पांडाज लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे हैं यूजिंग दिस कमांड एंड यूजिंग दिस कमांड वी आर इंस्टॉलिंग एस के लर्न लाइब्रेरी इन पाइथन तो यहाँ पे हम कुछ कुछ कमांड्स देख लेते हैं जैसे रीड सी क्या होता है सी फाइल को रीड कर रहे हैं यहाँ पे यानी कि आपका जो भी फाइल आपको चाहिए जो भी डेटा सेट आपका किसी फाइल में है और आपको अपने प्रोग्राम में चाहिए तो आप उसको किसके थ्रू रीड कर सकते हैं किसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं यूजिंग रीड सी और ये आपकी फाइल है जो कि फॉरेस्ट फायर फायर डेटा सेट देन हैड क्या करता है हैड एक फंक्शन होता है जो कि स्टार्टिंग की फाइव रोज़ को डिस्प्ले कर देता है तो यहाँ पे जो भी डेटा था उसकी स्टार्टिंग की फाइव रोज आपकी डिस्प्ले हो गई है नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग अब क्या कर रहे हैं आप स्प्लिट कर रहे हैं डेटा को इन ट्रेन डेटा एंड टेस्ट डेटा तो ये जितने भी कमांड्स लिखे हैं ये ट्रेन और टेस्ट डेटा को स्प्लिट करने के लिए है शेप क्या करता है ये आपकी डायमेंशन बताता है कि कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं आपके इस पर्टिकुलर डेटा में तो ये एक्स ट्रेन जो है ट्रेंड डेटा सेट है ट्रेंड डेटा सेट में आपकी फोर हंड्रेड थर्टीन रोज एंड ट्वेल्व कॉलम्स हैं ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे यही फंक्शन कुछ और यूज़ करके ये कोड लिखा है विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट आपका पेपर में आया भी नहीं है इससे क्वेश्चन सो वी आर स्किपिंग दिस कोड नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज़ क्रॉस वैलिडेशन हम यहाँ पे क्या करते हैं वैलिडेशन बार बार कर रहे होते हैं क्रॉस चेक करते हैं तो कैसे करते हैं क्रॉस चेक हम जो भी डेटा सेट है उसके नंबर ऑफ पीसेस बनाते हैं और हम क्या करते हैं एन फोल्ड्स एन फोल्ड्स बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे फोल्ड्स मतलब एक्सपेरिमेंट जैसे कि यहाँ पे क्या कर करा है फाइव फोल्ड्स बनाए हैं ओके अब फाइव फोल्ड्स बनाए हैं तो हम इसके क्या करेंगे फाइव पीसेस बना देंगे एक डेटा सेट के फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे हम फर्स्ट पीस जो है उसे एज आ ट्रेनिंग डेटा लेते हैं और बाकी जो भी सेट्स होंगे उन्हें टेस्टिंग डेटा सेट लेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर एन आपके फोल्ड्स हैं तो आप क्या करोगे वन को वन को क्या करेंगे हम ट्रेनिंग डेटा सेट लेंगे और एन माइनस वन आपके क्या होंगे टेस्टिंग डेटा सेट होंगे ऐसे फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें आपका सेकेंड वाला जो होगा वो डेटा सेट क्या होगा ट्रेनिंग वाला होगा और बाकी बचे हुए आपके क्या होंगे टेस्टिंग uh, ऐसे फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें कि आपका थर्ड वाला जो डेटा है जो थर्ड वाला पीस है वो ट्रेनिंग डेटा सेट होगा और बाकी बचे हुए टेस्ट डेटा तो ऐसे करते जाना है और आफ्टर फाइंडिंग एक्यूरेसी फॉर एवरी एक्सपेरिमेंट इसके बाद हम क्या करते हैं इन सारी एक्यूरेसीज़ का मीन निकाल लेते हैं और फिर वही क्या होती है फाइनल एक्यूरेसी होती है अब देखते हैं कि ट्रेन टेस्ट स्प्रेड की क्या शॉर्टकमिंग है और क्रॉस वैलिडेशन के क्या एडवांटेजेस है कब हमें क्रॉस वैलिडेशन प्रोसीजर यूज़ करना चाहिए और कब हमें ट्रेन टेस्ट स्प्रिट टेक्निक यूज करनी चाहिए सो इमेजिन यू हैव अ डेटा सेट ऑफ़ फ़ाइव थाउजेंड रोज तो हम बात कर रहे हैं जिसमें कि फाइव थाउजेंड रोज होंगी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन हैज़ एन आर्ग्यूमेंट फॉर टेस्ट साइज दैट यू यू कैन यूज़ टू डिसाइड हाउ मेनी रोज गो टू द ट्रेनिंग सेट हाउ एंड हाउ मनी गो टू द टेस्ट सेट तो हमें पता है कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन ये पाइथन की बात हो रही है यहाँ पे ये यह जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ये एक फंक्शन है जो क्या करता है टेस्ट डेटा को और ट्रेनिंग डेटा को डिवाइड करता है तो वहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमें टेस्ट साइज़ कितना चाहिए तो जितना हम टेस्ट साइज देंगे बाकी रोज़ क्या हो जाएगी ट्रेनिंग डेटा हो जाएगा सो फॉर एग्जांपल मैंने फ़ाइव दी तो फाइव रोज़ जो होंगी वो टेस्ट डेटा के लिए हो जाएंगी और बाकी बची हुई रोज़ जो है आपकी ट्रेनिंग डेटा सेट हो जाएगा तो हाउ मनी रोज़ गो फॉर ट्रेनिंग सेट एंड हाउ मनी गो टू टेस्ट सेट दैट इज़ डिसाइडेड बाई द आर्ग्यूमेंट विच वी विल गिव इन दिस फंक्शन ओके द लार्जर द टेस्ट सेट द मोर रिलायबल योर मेजर्स ऑफ मॉडल क्वालिटी विल बी तो जितना टेस्ट सेट जितना ज़्यादा होगा ओबियसली उतना ज़्यादा हमें एक्यूरेसी पता चलेगी कि हमारा सिस्टम अलग अलग डेटा पे सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है एट एन एक्सट्रीम यू कुड इमेजिन हैविंग ओनली वन रो ऑफ डेटा इन टेस्ट सेट यू कंपेयर अल्टरनेटिव मॉडल्स विच वन मेक्स द बेस्ट प्रडिक्शन ऑन अ सिंगल डेटा पॉइंट विल बी मोस्टली अ मैटर ऑफ लक तो ओबियसली अगर आपके पास एक रो है डेटा की और और आप उससे टेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि बाय लक क्या आ जाए एक्यूरेसी सही आ जाए यू विल विपिकली कीप अबाउट ट्वेंटी परसेंट एज अ टेस्ट डेटा सेट बट इवन विथ थाउजेंड रोज इन द टेस्ट सेट दे सम रैंडम चांस इन डिटर्मिन मॉडल स्कोर्स तो ओबियसली अगर थाउजेंड रोज है उसमें से आपने एट हंड्रेड जो है ट्रेनिंग डेटा के लिए यूज़ कर लिया और ट्वेंटी यानी कि टू हंड्रेड जो है आपने क्या करा टेस्ट के लिए किया तो यहाँ पे भी क्या है टेस्टिंग डेटा कम ही है तो उस केस में क्या होगा फिर से हो सकता है कि रैंडम ऑर्डर में कुछ ऐसा हो रैंडम चांस हो कि क्या हो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही हो फिर फाइनल जब आप उस मॉडल को रन करेंगे तब उस वक्त क्या होगा मे बी प्रोडिक्शन इन एक्यूरेट आए ओके सो अ मॉडल might डू वेल ऑन वन सेट ऑफ 1000 rows, इवन इफ इट इज़ इट वुड बी inaccurate on ऑन अ डिफरेंट rows. The द लार्जर द टेस्ट सेट द लार्जर रेंडमनेस जितना ज़्यादा टेस्ट सेट होगा ओबियसली उतने ही चांसेस क्या होंगे कि रेंडमली कोई भी रिजल्ट नहीं आया होगा ओके okay, तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी जो है चेक हो पाएगी सो so यहाँ से हमें पता चलता है कि हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कब यूज़ करना चाहिए जब आपका डेटा सेट बहुत लार्ज है ठीक है इनफ लार्ज है कि आप इजीली ट्रेन डेटा और टेस्ट डेटा को सेपरेटली टेस्ट कर पाए सेपरेटली यूज़ कर पाए ओके इनफ डेटा होना चाहिए या फिर या फिर हम कह सकते हैं कि लार्ज डेटा सेट जब है तब हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज़ करना चाहिए अब क्रॉस वैलिडेशन प्रोसीजर को कब यूज़ करना चाहिए ओबियसली अगर लार्ज डेटा सेट होगा तो इतने बार एक्सपेरिमेंट करने में क्या होगा टाइम लगेगा तो उस केस में लार्ज डेटा सेट में हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज़ करना चाहिए और स्मॉलर सेट्स में स्मॉलर डेटा सेट में हमें क्या यूज़ करना चाहिए क्रॉस वैलिडेशन प्रोसीजर इससे क्या होगा यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी क्योंकि डेटा सेट कम है आपके पास टेस्ट डेटा सेट और ट्रेनिंग डेटा सेट कम कम रहेगा तो प्रॉब्लम होगी तो इसलिए उस केस में हमें क्या करना चाहिए क्रॉस वैलिडेशन प्रोसीजर यूज़ करना चाहिए नेक्स्ट इज़ ट्रेड ऑफ बिटवीन क्रॉस वैलिडेशन एंड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास दोनों टेक्निक है तो हम दोनों में से कौन सी चूज़ करेंगे कौन सी बेटर है किस केस में दैट इज़ डिस्कस्ड हियर तो क्रॉस वैलिडेशन क्या है एक्यूरेट है मोर एक्यूरेट है अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़्यादा एक्यूरेसी किस में मिलती है क्रॉस वैलिडेशन में या ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में तो ऑब्वियसली आंसर विल बी क्रॉस वैलिडेशन विच इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट इफ यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मॉडलिंग डिसीजनस तो अगर हम हम हमारे हमें डिसीजनस बनाना है अपने ए आई मॉडल से कुछ प्रडिक्शन करना है फ्यूचर के लिए और उसमें डि de डिसाइड करना है कुछ तो ओबियसली वी शुड चूज़ क्रॉस वेलिडेशन बट क्या होगा अगर लार्जर डेटा सेट है तो क्या होगा इट विल टेक मोर टाइम टू रन बिकॉज इट एस्टिमेट्स मॉडल वन फॉर ईच फो फोल्ड तो हर फोल्ड के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करते हैं डेटा को चेक कर रहे हैं सो इट इज़ डूइंग मोर टोटल वर्क Given these trade-offs, when should you use each approach? सो ऑन स्मॉल डेटा सेट एक्स्ट्रा कम्प्यूटेशनल बर्डन ऑफ रनिंग क्रॉस वैलिडेशन इज इन द बिग डील तो अगर छोटा डेटा सेट है तो ओब्वियसली क्रॉस वैलिडेशन इतना टाइम नहीं लगाएगा देर आर ऑल्सो प्रॉब्लम्स वेयर मॉडल क्वालिटी स्कोर्स वुड बी लीस्ड रिलाईबल विद द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो अगर हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट स्मॉल डेटा सेट में यूज़ करते हैं तो ओब्वियसली वहाँ पर क्या होगा रेंडमनेस हो सकती है तो वो लेस रिलायबल होगा वहाँ पर रिलायबलिटी जो है वो बहुत कम होगी सो इफ योर डेटा सेट इज़ स्मॉलर यू शुड रन क्रॉस वेलीडेशन फॉर द सेम रीजन अ सिंपल ट्रेन टेस्ट स्प्रिट इज़ सफिशियंट फॉर लार्जर डेटा सेट तो वही चीज़ें रिपीट हो रही है यहाँ पर जो हम डिस्कस कर चुके हैं इट विल रन फास्टर एंड यू मे हैव ए नफ डेटा दैट दियर इज लिटल नीड टू रीज एंड सम होल्ड आउट तो अगर लार्ज डेटा सेट है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्रिट कर सकते हैं दज नो सिंपल थ्रेश होल्ड फॉरवर्ड कंस्टीट्यूट लार्ज वर्सेज स्मॉलर डेटा सेट इफ़ योर मॉडल टेक्स कपल मिनट और लेस टू रन इट्स प्रॉपरली वर्थ स्विचिंग टू क्रॉस वेलीडेशन तो इन केस आपका क्या कर रहा है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आप कर रहे हो चाहे लार्ज है या स्मॉल डेटा सेट और थोड़ा ही टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट uh, होने में तो हमें यह करना चाहिए फिर हमें क्रॉस वैलिडेशन करना चाहिए क्योंकि क्रॉस वैलिडेशन बहुत ही रिलायबल है बट बस हम टाइम की वजह से कह रहे हैं कि क्या है अगर लार्ज डेटा सेट है तो आप किस पे स्विच कर लें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे ओके okay, तो इन केस अगर लार्ज डेटा सेट भी है पर कम टाइम ले रहा है तो हमें क्या करना चाहिए क्रॉस वैलिडेशन करना चाहिए इफ़ योर मॉडल टेक मच लॉन्गर टू रन क्रॉस वैलिडेशन में स्लो डाउन और योर वर्क फ्लो मोर देन इट्स वर्थ अल्टरनेटिवली यू कैन रन क्रॉस वेलीडेशन एंड सीव द स्कोर फॉर ईच एक्सपेरिमेंट सीम क्लोज तो हमें देखना है कि हर एक एक्सपेरिमेंट का जो एक्यूरेसी है जो भी रिजल्ट है वो सेम आ रहा है इफ़ ईच एक्सपेरिमेंट गिव द सेम रिजल्ट द ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज़ प्रॉब्ली सफिशियंट तो अगर क्रॉस वैलिडेशन के केस में सबका जो भी रिजल्ट है वो सेम आ रहा है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी यूज कर सकते हैं नाउ आफ्टर दिस दिस एग्जाम्पल इज गिवन विच इज़ अगेन कोड पाइथन कोड तो हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भी कोई भी पाइथन कोड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है नाउ नेक्स्ट टॉपिक मैट्रिक्स फॉर मॉडल क्वालिटी बाय सिंपल मैथ एंड एग्जांपल्स दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑल्सो सेवेंथ वन तो वी विल डिस्कस एंड इन नेक्स्ट वीडियो जो आज ही मैं पोस्ट करूँगी सो डोंट वरी एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक करिएगा कॉमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अगर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो